वैसे गर्मी का सीजन एक और अच्छी बात भी लेके आता है, कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता। अगर गर्मी ना हो तो ये चीज हमें खाने को नहीं मिलेगी, और वो चीज क्या है? आम। अगर आम ना हो तो क्या होगा? सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं एक बात बता दूं, अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लोग लॉकडाउन में है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसे आम मिले। हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, उसमें तो इतना हो रहा है कि भाई वहां से कोई लाने वाला है तो अपने अपने ऑर्डर्स दे दो ताकि वो लोग लेकर आए आम। मतलब आम तो सबको चाहिए, चाहे जो हो। तो इस आम की आज मैं बनाऊंगी स्मूदी, मैंगो स्मूदी। इसमें जो चीजें जाएंगी वो रहेगा, सबसे पहले तो आम, उसके बाद मिल्क है, दही है एंड शुगर। आपके पास जो भी मैंगो हो आप उसका ये स्मूदियाँ बना सकते हो, ऐसे कोई नहीं है। चाहे वो तोतापुरी हो, बेगमपल्ली हो, यहाँ पे बेगमपल्ली बोलते हैं जिसे हम बादामी बोलते हैं ना, वो। तो हम अभी फटाफट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी मैंगोज इसमें। अगर आप आइस नहीं डालना चाहते हो तो इट विल बी बेटर कि आप इस तरीके से काट के आप इसे फ्रोज करके रखो, तो ये ठंडा रहेगा। उसके बाद मेरा जो मिल्क है वो भी ठंडा है एंड दही वो भी ठंडा है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। दही एक साधारण, आप समझ लो कि 1 कप दही डाल दीजिए। दही तो चाहिए, स्मूदी तो दही की ही बनती है, दही के बिना स्मूदी नहीं बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी बननी चाहिए ना। उसके बाद डालिए थोड़ा दूध, और मुझे तो शक्कर चाहिए, शक्कर के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के आम इतने मीठे नहीं होते यार। मैंने 3 चम्मच डाल दूँ, 2 चम्मच, 2 चम्मच पहले टेस्ट करूंगी, अगर मीठा चाहिए तो बढ़ाऊंगी, वरना रहने दो। चलो स्टार्ट करें। मुझे इसमें और शक्कर चाहिए, क्योंकि दही है ना, तो दही थोड़ा सा ब्लैंड कर देता है। हमारे यहाँ जो आम मिलते हैं, मतलब महाराष्ट्र में जो आम मिलते हैं, जो कोकन साइड से आते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं, दे आर सो स्वीट। तो उसमें अगर शायद आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें दही चाहिए फ्रेश दही, या पुराना दही या फिर खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं, फ्रेश दही चाहिए जो थोड़ा मीठा होता है। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मैं फूड के लिए पागल हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं ये बात। वैसे सोचती हूँ कि अगर खाना ही है तो क्यों ना थोड़ा स्टाइल में खाया जाए। चल आ जाओ आ जाओ। मम्माला पण लो, मम्माला पण। क्लीन, सी सी यू हैव गॉट मुच्छी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस ये रेकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स के साथ दूध ना मिलाएं, जबकि फ्रूट के साथ दही मिला के खाएं। तो आई थिंक स्मूदी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। ऑफ कोर्स फॉर दैट यू कैन अवॉइड मिल्क, बट यू कैन अच्छी, बट यस यू कैन ट्राई दही विथ मैंगो और
बनाना है, एप्पल है, कीवी, ये बहुत सारे जो फ्रूट्स है। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो आप दूध के साथ ऑब्वियसली नहीं ले सकते, तो यू कैन ट्राई विथ दही एंड दैट विल बिकम स्मूदी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड दिस इज़ यम यम गाइस। मम्मा मुची बग कितनी मोटी डाली थे बग। ओह सच बिग मुची आजोबा डालीस तू।